गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 3.1 उसको आगे स्टार्ट करेंगे। और जो आज हम कल की क्लास में हमारे क्वेश्चन 6 तक पूरे हो गए थे, प्रश्न 7 है। सारे प्रश्न में आपको गुणा ही करना है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ प्रश्न। तो प्रश्न आज का प्रश्न है 7। इसमें क्या है, एक बेड है, उसके अंदर 525 क्या है प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, यानी पौधे लगे हुए हैं। 525 क्या है, पौधों की संख्या एक बेड में। और इसमें आपको बताना है कि कितने, मतलब पौधों की संख्या बतानी है आपको। 213 बेड्स में कितने पौधों की संख्या होगी वो बताना है। तो जब प्रश्न में मैंने आपको बताया था, जिस भी प्रश्न में अगर आपको एक चीज़ की संख्या आपको दी हुई हो प्रश्न में और आपको ज़्यादा का आंसर बताना हो, ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा दो भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, या कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो आपको अगर प्रश्न में एक की संख्या, कोई भी एक चीज़ की संख्या, जैसे एक टेबल की का मूल्य इतना है और आपको बताना है 25 टेबल का या मेज़ों का मूल्य आपको बताना है, तो इसमें यही है कि एक चीज़ की एक टेबल का मूल्य आपको प्रश्न में दिया हुआ है और आपको ज़्यादा का आंसर बताना है, एक से ज़्यादा का आंसर बताना है, वो दो भी हो सकता है और कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि एक बेड में 525 पौधे होते हैं, तो आपको बताना है 213 बेड्स में कितने पौधों होंगे या पौधों की संख्या बतानी है 213 बेड्स में। तो इसमें भी क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन, ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। प्रश्न 8वां है, 8वां, 9वां, ये तीनों प्रश्न आपको खुद करने हैं, अपनी रफ कॉपी में करके देखना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो प्रश्न जो 8वां है वो है 408 जो बॉल है यानी जो गेंदे हैं वो एक बॉक्स में आती हैं। एक बॉक्स में कितनी गेंद आती है, 408। और इसमें आपको बताना कि 634 बॉक्स में कितनी गेंदे आएंगी, तो आपको वो बताना है। तो इसमें भी यही है, एक की आपको एक के किसी भी एक चीज़ के बारे में, एक बॉक्स के में कितनी बॉल आती है उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, और आपको बताना है कि 634 बॉक्स में कितनी बॉल्स आएगी, कितनी गेंद आएगी वो आपको बताना है। तो इसमें भी यही है कि आपको इस प्रश्न में भी क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 408 गुणा 634, और जैसे गुणा करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। प्रश्न 9वां है कि एक पुस्तक है उसका मूल्य कितना है, 250 रुपये। एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 250 रुपये, और इसमें आपको बताना है 140 पुस्तकों का मूल्य। तो ये प्रश्न हम कर लेते हैं। प्रश्न 9 का हल है, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पे है 250 रुपये, और प्रश्न में बताना है 100 इसी तरीके की 140 पुस्तकों का मूल्य। तो 140 पुस्तकों का मूल्य बताना है। तो क्या करेंगे, 250 गुणा 140। अब किसी भी संख्या को में से अगर जीरो को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो पहले, सबसे पहले जीरो को जीरो से गुणा करने पर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एक अगर प्रश्न में दो जीरो है या एक जीरो है, किसी भी दो संख्या में से एक संख्या भी अगर जीरो है और तो क्या होगा, उससे गुणा करने पर जीरो ही आएगा। यहाँ पे दोनों जीरो है तब भी जीरो आएगा, दोनों में से एक संख्या जीरो होगी तो भी जीरो आएगा। जैसे इसमें
जीरो को 5 से गुणा करना है, तो दोनों संख्या में से अगर यहाँ पे जीरो है तब भी जीरो ही आएगा, जीरो को 5 से गुणा करने पर भी जीरो ही आएगा। अगर यहाँ जीरो होता और यहाँ पे 5 होता, ऊपर नीचे होने का फर्क को नहीं होता है, एक दोनों में से एक संख्या अगर जीरो है तब भी उसको गुणा करने पर जीरो ही आएगा, और दोनों जीरो है तब भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों संख्या जीरो है तब भी जीरो आएगा, दोनों में से एक संख्या जीरो होने पर भी जीरो आएगा। तो जीरो को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अब जीरो को 2 से गुणा करने पर वापस क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति में आएंगे, दूसरी लाइन में आएंगे और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 को 0 से गुणा करेंगे, वापस 0। 4 को 5 से गुणा करते हैं, यानी 4 का पहाड़ा आप कितनी बार बोलोगे, 5 बार। अगर आपको इस वाली संख्या का पहाड़ा नहीं आता तो आप इस वाली संख्या का पहाड़ा भी इतनी बार बोल सकते हैं। तो यानी 4 को 5 से गुणा करने पर भी 20 आएगा, या 5 का पहाड़ा आप 4 बार बोलो तब भी 20 ही आएगा, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो 20 का पीछे वाली संख्या क्या है, 0, तो वो यहाँ लिखेंगे, और आगे जो 2 है उसको, अगली जो हमारी संख्या होती है उस पर क्या कर देते हैं, हासिल लगा देते हैं, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा हम 2 बार बोलते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8। 8 में हम 2 प्लस करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, तो 8 और 2 कितने रहेंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब वापस हम तीसरी संख्या पर आएंगे, इससे गुणा करना है हमें, तो हम दूसरी लाइन में आकर और फिर वापस वही चीज़, वापस वही प्रोसेसिंग हम क्या करेंगे, करेंगे। 1 को 0 से गुणा करेंगे, 0। 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5। 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, 0 और 5, 5, 1 और 2, 3। तो यहाँ पे 140 पुस्तकों का मूल्य कितना आया, यहाँ पे आप 4 रुपये का साइन लगा दो, साइन यहाँ पे आया 35,000, ठीक है। इनका आंसर क्या है, 140 पुस्तक कितने की आएगी, 35,000 की। तो अगर प्रश्न में एक चीज़ का आपको मूल्य या एक चीज़ का आंसर अगर आपको दिया हुआ हो और अगर आपको ज़्यादा का आंसर बताना हो तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न 10। इसमें है एक हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, ठीक है। उसमें क्या है, हर एक दिन का जो खर्चा होता है, जो राशि, धनराशि जो खर्च होती है उन बॉयज़ पर, वो है ₹350, यानी ₹350 खर्च होता है एक दिन की, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि 30 दिन में कितने खर्च होगी, कितनी धनराशि 30 दिनों पर के लिए उन पर खर्च होगी वो बताना। तो एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन का आंसर यहाँ पे प्रश्न में है ₹350 खर्च होते हैं, और 30 दिन में कितने खर्च होंगे वो बताने हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। एक दिन में खर्च होने वाली धनराशि या राशि कुछ भी लिख सकते हो, एक दिन में होती है ₹350, और ये प्रश्न मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ, ये ऊपर वाले का हल। एक दिन में खर्च होने वाली राशि कितनी है, ₹350। 30 दिन में खर्च होने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 30 दिन में खर्च होने वाली राशि, यहाँ पे क्या करेंगे, 350 गुणा कितने दिन की बतानी है, 30 दिन की, तो 30 से गुणा कर देंगे, और गुणा आप खुद करोगे तो जो आप 350 को 30 से गुणा करने पर जो आपका उत्तर आएगा वो 30 दिन में खर्च होने वाली राशि आएगी, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से है कि एक दिन में या एक चीज़ का आपको प्रश्न में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी और आपको ज़्यादा का आंसर बताना होगा। तो हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गुणा ही करना है।
और आगे जो हमारी एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 3.2 उसमें भाग वाले क्वेश्चन हैं, तो भाग कब करते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि एक साथ ही दोनों प्रश्न मिलाकर आते हैं जिसमें आपको पहचानना होता है कि किसमें आपको गुणा करना है, किसमें आपको भाग करना है। तो आप लोगों को जो प्रश्न करना है वो प्रश्न आपको करना है कॉपी में, प्रश्न 8 करना है, प्रश्न 9 करना है, ठीक है। आप प्रश्न 8 और 9 करना है, और जो बाकी जो प्रश्न है जैसे प्रश्न 7 और प्रश्न 10 वो आप एक बार अपनी रफ कॉपी में करके देखना, ठीक है। थैंक यू।